नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस आरबीआई असिस्टेंट मींस एसबीआई क्लर्क मींस इम्पॉर्टेंट आपकी जीके से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वही अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशंस में बने रहिएगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। इंपॉर्टेंट आपकी मैं पर्टिकुलर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपका डीज जो एग्जाम्स में बन सकता है वह अपन डिस्कशंस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहती है वह अपन डिस्कशंस करेंगे। और टॉप 10 आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह अपन डिस्कशंस करेंगे। एंड देन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसका आपको आंसर्स देना है उसका कमेंट बॉक्स में, ओके। तो वह भी आप देखिएगा, वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जिनका भी आरबीआई एसबीआई या एसएससी का एग्ज़ाम्स हो वह भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ओके। आज अपनी 22nd क्लासेस हैं, लास्ट 21 क्लासेस टोटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, उसको देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्लासेस थी, अच्छे क्वेश्चंस थे, प्लीज़ उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, देन वीडियो को शेयर कर दें। देन वीडियो अगर अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये कल मैंने एक वीडियो दिया था, स्टूडेंट्स का मैसेज था सर मार्च के सारे क्वेश्चंस दे दीजिए, मैंने एक पीडीएफ रेडी किया था उसका, तो मैंने कल वीडियो में बताया है आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अच्छे क्वेश्चन थे, पर्टिकुलर 200+ क्वेश्चन वहाँ पर मैंने दिए थे, ओके। इंपॉर्टेंट डेज जो मार्च मंथ के वो सारी मैंने आपको दे दी है, उसको भी देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे एक तरह से हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे, प्लीज़ उसको देखिएगा जरूर, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट डेज जो मार्च मंथ के थे प्लस उसकी थीम क्या रही थी, वो सारा कुछ मैंने दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। पर्टिकुलर ऐसा ही थंबनेल एक वीडियो में लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, ओके। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लासेस में आपकी 21 क्लासेस थी उसमें मैंने होमवर्क दिया था, राइट। देखिए प्रवीण जाधव रिजाइन्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी। प्रवीण जाधव ने किस कंपनी के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये अब कन्नदंस पेटीएम से उन्होंने, पेटीएम मनी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, राइट। आई होप आपने सी आंसर दिया होगा, पेटीएम मनी। प्रवीण जाधव नाम याद रखिएगा और कंपनी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, बैंकिंग वाले बैंकिंग अवेयरनेस में क्वेश्चन ये बनेगा, ओके। अब आ जाने इम्पॉर्टेंट डेज पे। देखिए कल की डेट में 7th of April में, राइट, वर्ल्ड हेल्थ डे के बेसिस पे बनाया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वहाँ पर एक उनके बेसिस पे ये वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया गया था, राइट। उनकी स्थापना हुई थी इसी दिन 7th of April को, ओके। तो इस दिन आपका ये डेज इम्पॉर्टेंट है और पर्टिकुलर थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, महामारी कोरोना वायरस का, COVID-19 का, तो उससे से अपन रिलेट करें तो ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट डेज है, एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है। इसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स, ओके। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट करते चलिएगा। आज अपना 8th हो गई है, आप भी बनाइए, मैं पर्टिकुलर आपको मंथ के एंड तक आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। देखिए फर्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज है शेफाली वर्मा को आपका पेप्सी का, राइट, पेप्सी का लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है, ओके। ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा जो एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, उनको पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनेगा। ब्रांड एम्बेसडर्स पेप्सी कंपनी का किसको बनाया है अभी, तो दैट इज द शेफाली वर्मा, या पूछ सकता है शेफाली वर्मा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दैट इज द पेप्सी, ओके। ये दोनों क्वेश्चंस रिलेट के, इंडियन क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, ओके। अभी आपको मालूम होगा पूमा, राइट, पूमा की अभी नेक्स्ट अभी ब्रांड एम्बेसडर्स न्यू लेटेस्ट में न्यूज रहा था, करीना कपूर खान को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया था, ओके। रियल्स मी आपने सुना होगा फोन का नेम, राइट,
रियल्स मी राइट। ये फ़ोन का नाम इसके एम्बेसडर हैं सलमान खान राइट, सलमान खान इसके एम्बेसडर हैं ओके रियल मी। एंड IDFC फर्स्ट बैंक, माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ बता रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन राइट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी यहाँ पर बता दी है, आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं ओके। नेक्स्ट पेज चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है देखिए, ये कल सुबह मॉर्निंग वाला मैंने सेशन अपलोड किया था, मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किया था, फिल्म एंड थिएटर एक्टर कलिंग शशि डेड राइट, इनकी मृत्यु हो गई है 59 साल की उम्र में राइट। इट मीन्स 59th ईयर इनकी एज थी, इनका फेमस थे ये एक तरह से कह सकते हैं मलयालम एक्टर थे। क्वेश्चन बनेगा कौन से एक्टर थे, तो मलयालम ओके, मलयालम एक्टर और थिएटर वहाँ के जो थिएटर भी करते थे। नाम था कलिंगा शशि, रियल्स नेम था इनका वी चंद्र कुमार राइट, वी चंद्र कुमार इनका नेम था। केरल्स में इनका जन्म हुआ था, केरल्स की कोझीकोड में ओके। रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट है नाम इनका कलिंगा शशि नाम से फेमस है ओके, मलयालम एक्टर और आपकी एक्टर मलयालम एक्टर अपन कह सकते हैं ओके। रियल्स नेम है वी चंद्र कुमार ओके, केरल्स की कोझीकोड में इनका जन्म हुआ था। केरल्स के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद गवर्नर ऑफ केरल ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट डेज आपके डिस्कशंस हुए, अच्छे लगे समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ओके। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, लुक एट दिस क्वेश्चंस। द इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शंस वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर, खान कार्रवाई में खान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो दैट इज़ द 4th of April को। जिसने 21st क्लासेस देखी है उसको मैंने आपको बताया था 4th of April को अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से कह सकते हैं खान अवेयरनेस माइन अवेयरनेस के बेसिस पे बनाया जाता है ओके 4th of April को। 1st April आपकी उड़ीसा दिवस, जो उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं 1st April को आपके उड़ीसा, उसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। 2nd April ये आपका है ऑटिज्म डे ओके, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 4th April को 7th April जैसा कि अभी करंट पे मैं बता गया हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे राइट, वर्ल्ड हेल्थ डे आपका विश्व हेल्थ दिवस आपकी बनाया जाता है 7th अप्रैल को 7 अप्रैल को। क्लियर हुआ समझ में आया यहाँ तक, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रहा देखिए, ये मैंने एक तरह से डायग्राम भी लगा दिया है। नेक्स्ट आपका है ऑफिशियल्स मैस्कोट, ऑफिशियल जो मैस्कोट है ऑफ एशियंस गेम्स, एशियंस गेम्स याद रखिएगा ओनली एशियंस गेम है, वॉज अनवील्ड इन होंगझू राइट, होंगझू चाइना विच एडिशंस ऑफ एशियंस गेम। माय डियर स्टूडेंट्स जो एशियंस गेम होने हैं चाइना के होंगझू में राइट, वो जो होना है उसका मैंने संस्करण पूछ लिया है राइट, बहुत ही मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसका संस्करण है 19वां संस्करण ये होने वाला है चाइना के होंगझोंग में एशियंस गेम। एक यूथ एशियंस गेम भी होना है, एशियंस यूथ गेम, वह भी आपके चाइना के सांताओं में होने हैं राइट, उसका 3rd edition है, ये भी आप याद रखिएगा उसका 3rd edition है। आई रिपीट अगेंस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, चाइना में एशियाई खेलों का जो एक तरह से कह सकते हैं एशियाई ओनली राइट, वो 19वां edition होगा चाइना के होंगझोंग में। एक यूथ एशियंस खेल है राइट, वो चाइना की सांताओं में होगा, उसका 3rd edition है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, उड़ीसा गवर्नमेंट यानी कि जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है मो प्रतिभा बाय कोऑर्डिनेटिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समन्वय करके मो प्रतिभा लॉन्च किया है, किस संगठन के साथ, तो डेट इज द ये आपका किया है यूनिसेफ के साथ राइट, यूनिसेफ के साथ उन्होंने संगठन किया है राइट। मो प्रतिभा ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है एक बेसिस में है, ये लॉन्च किया है ओके उड़ीसा के, याद रखिएगा मो जीवन राइट, मो जीवन ये भी आपकी उड़ीसा की स्कीम है, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है ओके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से नवीन पटनायक राइट, नवीन पटनायक एंड चीफ आपके गवर्नर है गणेशी लाल ओके, ये भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है।
कालिया स्कीम्स, राइट। कालिया स्कीम्स आपकी उड़ीसा की है, ओके। लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स, राइट, जो लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स हैं अभी कोविड 19 के इलाज के लिए, वह आपके उड़ीसा में ही बनाया जा रहा है, राइट। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स कहाँ बनाया गया था, तो दैट इज द उड़ीसा में, ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, उसमें जो आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था वह आपके उड़ीसा में ही हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ओके। उसमें पंजाब ने टॉप किया था, ये भी आप याद रखिएगा, पंजाब ने टॉप किया था, इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सेंटर्स मेड 50 करोड़ पीपल्स एलिजिबल्स, 50 करोड़ लोग, दैट मीन्स 50 करोड़ से ज़्यादा लोग मुक्त कोविड 19 ट्रीटमेंट अंडर PMJ, वन वॉच PMJ लॉन्च्ड, यानी कि PMJ को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा, दैट इज द मेंस लेवल, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको मेंस लेवल में बनेगा क्वेश्चन, गारंटी है, राइट। इस पे बेसिस पे मेंस, ये होते हैं मेंस के क्वेश्चन। PMJ को जो 50 करोड़ से अधिक है उसको कब शुरुआत की गई थी, तो ये आपकी शुरुआत हुई थी माई डियर एस्पिरेंट 2018 के सितंबर मंथ में, राइट। PMJ को शुरुआत की गई थी, राइट, यानी कि 2018 सितंबर मंथ। एक मैंने कल भी बताया था आपको, 2016 में आपकी जो कृषि मंत्री हैं, राइट, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ENAM ऐप का लॉन्च किया गया था, राइट, किसानों के लिए, वो आपका 2016 में हुआ था, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, अंडर 17 वुमेन्स यानी कि महिलाओं की बात हो रही है, वो जो खेले जाना था आपके नवंबर में, उसको कोरोना वायरस की महामारी के एक तरह से देखते हुए उसको स्थगित कर दिया है, ओके, इसमें पोस्टपोन कर दिया है। तो वह कौन से देश में होना था, तो नरेंद्र सिंह, ये आपका होना था इंडिया में, इंडिया इसको होस्ट करने वाला था, राइट। अब इसको पोस्टपोन कर दिया है, नवंबर में खेला जाना था बट इसको अब पोस्टपोन कर दिया है इंडिया, ओके। फीफा का हेडक्वार्टर है आपका, फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, ओके, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आपके फीफा का हेडक्वार्टर है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ओके। एंड वन मोर थिंग्स माई डियर एस्पिरेंट्स, फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 वाला, राइट, 2022 वाला, वह आपका कतर होस्ट करेगा, ओके, कतर इसको होस्ट करेगा, ओके। सऊदी अरब, माई डियर एस्पिरेंट्स, सऊदी अरब में G20 जो समिट हुई थी उसका होस्टिंग सऊदी अरब था, राइट, ये भी याद रखिएगा। G20 समिट्स के जो अभी 2020 वाला हुआ था वो सऊदी अरब इसकी होस्टिंग की थी, एंड 2021 वाला हुआ है जो आपका इटली होस्ट करेगा, 2022 वाला है वो अपना प्यारा भारत ही होस्ट करेगा G20 समिट, ठीक है। उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जो एम्स ऋषिकेश के सहयोग से प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार करता है, तो कौन सा है वो, तो दैट इज द IIT रुड़की, ओके। IIT रुड़की इस प्राणवायु नामक एक कम लागत का पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार करेगा, किसके साथ, जो एम्स ऋषिकेश के सहयोग से, उसके दोनों के बीच में पार्टनरशिप। पूर्व मंत्री पासंग वांगचुक सोना, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था, राइट, वह किस देश के, ये वह किस स्टेट्स के थे, तो दैट इज द अरुणाचल प्रदेश के, राइट, अरुणाचल प्रदेश के वह थे, पूर्व मंत्री थे पासंग वांगचुक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑब्विचुरी है ये। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ऑपरेशंस व्हिच वाज कंडक्ट बाय इंडियन एयरफोर्स IAF, राइट, टू ट्रांसपोर्ट 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल्स मेडिसिन टू मालदीव्स, राइट। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, राइट, द्वारा मालदीव्स में 6.2 टन आवश्यक दवाओं के परिवहन के लिए जो ऑपरेशन किया था उसको, वो कौन सा ऑपरेशन था, उसको क्या नाम दिया गया था, तो डेट इज द, ये था आपका संजीवनी, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर, संजीवनी ऑपरेशन, संजीवनी उसको नाम दिया गया, राहत यहाँ पर नहीं है, राइट, राहत रहे, यानी कि संजीवनी बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ICMR, राइट, ICMR ने कोविड 19 परीक्षण के लिए TB मशीनों की मंजूरी दी है, ICMR के अध्यक्ष कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष है बलराम भार्गव, राइट, डॉक्टर बलराम भार्गव इसके अध्यक्ष हैं ICMR के, ओके। TB डे, राइट, TB डे 24th ऑफ मार्च को आपका TB डे बनाया जाता है, 24th ऑफ मार्च को,
ओके एंड इसकी थीम रही थी इट्स टाइम राइट, इट्स टाइम इसकी थीम रही थी पर्टिकुलर टीबी डे की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है टीबी से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण एडम स्लेसले सिंगर का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। तो यह एक सिंगर थे, एक गायक थे, इन्होंने ए आर रहमान को ट्रेनिंग दी थी, ए आर रहमान को इन्होंने ही एक तरह से सिंगिंग सिखाई थी राइट। तो एडम स्लेगर याद रखिएगा सिंगर थे। ओके ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाता की नई ब्याज दरें क्या हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना, प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा। ये तो थे आपके पूरे के पूरे 11 क्वेश्चंस, क्लियर हुआ समझ में आया तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा मेरी मेहनत को देख के। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर नहीं किया है तो। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत एंड स्टे योर होम, सेफ रहिए सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।